मैं ये कहूंगी कि बहुत केयरफुल रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कोई भी नई चीज शुरुआत मत कीजिएगा। हो सकता है आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसी आपकी बात जो है, कुछ गॉसिप जो है वो बाहर जा सकती है। प्रिडिक्शंस फ्रॉम द 5th of February टू द 11th of February, लेट अस सी हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर द वेरियस ज़ोडियक साइंस। एंड एज यूजुअल वी स्टार्ट विद एरीज, यानी कि मेष राशि। एरीज के जो कार्ड है ये वीक के लिए इतने अच्छे नहीं है। देखिए, कार्ड्स अपने आप आए हैं। मैं ये कहूंगी कि बहुत केयरफुल रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कोई भी नई चीज शुरुआत मत कीजिएगा। हो सकता है आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसी आपकी बात जो है, कुछ गॉसिप जो है वो बाहर जा सकती है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा अपने वर्ड्स के बारे में। अगर आपने किसी के बारे में कुछ कैजुअली भी बोला, आपने शायद कैजुअली बोला, बट शायद आपकी जो बातें आगे जाएगी नॉट सो कैजुअली, एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। सो वॉट आई एम trying to say is be very careful about the way you talk, the way you behave, as well as making important decision. This week there are no important decisions to be made. Avoid traveling if possible, avoid speed if possible. If you are feeling unwell, please go and visit a doctor, because मुझे जो लग रहा है कि शायद आप अनवेल हो, या आपके आसपास कोई अनवेल हो और आप इसे एकदम कैजुअली लो, तो कैजुअली मत लीजिए। कार्ड्स आर नॉट ग्रेट, सो केयरफुलनेस इज द मंत्र ऑफ दिस वीक। और फिर हमारे पास आते हैं वृषभ राशि, यानी कि टॉरस। आइए देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। टॉरियन के लिए भी सप्ताह जो है वो ठीक ठीक रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट आप इस प्रॉब्लम से आगे निकल सकते हैं, यानी कि देर विल बी प्रॉब्लम्स बट यू विल बी एबल टू कम बैक दैट प्रॉब्लम्स। आई एम ऑल्सो सेइंग कि कोई आपका कोई फ्रेंड आपसे मिले, या आप कोई फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाए, प्लीज इट्स विल बी वेरी वेरी गुड टू यू, सो टेक दैट ब्रेक, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीदे या फिर कोई विल बनाए, एंड अगर आपको ये थॉट आता है तो प्लीज डू इट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑल्सो सीइंग दी एनर्जी ऑफ एनिमल्स अराउंड यू, सो अगर आपको कुछ डोनेट करना है ये सप्ताह एनिमल्स के लिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर हमारे पास आते हैं मिथुन राशि, यानी कि जेमिनाई। आइए देखते हैं मिथुन राशि, वाओ क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। सिर्फ एक ही कार्ड खराब है कि ये ना आपका फोकस नहीं है। तो मतलब करना तो आप चार चीजें चाहते हैं, बट आपका एक भी चीज पे फोकस नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, चारों चीजें करो बट फोकस के साथ करो। एक चीज को खत्म करो या चारों चीज को एक साथ खत्म करो, बट फोकस इज वेरी गुड। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप चालू करते हैं, फिर आप कहीं और जाते हैं, फिर आप कहीं और का आपका दिमाग चल जाता है। सो डोंट डू दैट। ऑल्सो आई एम सीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल न्यूज इज गोइंग टू कम योर वे। तो शायद हो सकता है कि आपके एंगेजमेंट, मैरिज या कोई ऐसा पार्टनर आपको मिले इस सप्ताह, एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। मेक सम इन्वेस्टमेंट्स, द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू डू दिस वीक विल गिव यू रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म। और फिर हमारे पास आती है कर्क राशि, यानी कि कैंसर। आइए देखते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। कर्क राशि के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। फैमिली टाइम आप स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ जितना आप घूमेंगे फिरेंगे, फैमिली के साथ जितना आप रहेंगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज कार्ड, तो मनी ऑल्सो इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस फैमिली ऑल्सो इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो दोनों के दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एंड गुस्सा मत कीजिएगा। अगर हो सकता है कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। वर्क वाइज दिस वीक इज गोइंग टू बी गुड, बट जस्ट अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। और फिर हमारे पास आते हैं लियो, यानी कि लियो के लिए देखते हैं कार्ड्स कैसे हैं। लियो यानी कि सिंह राशि, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप शायद कोई हॉलीडे पर जाएँ, आप शायद हॉलीडे के लिए प्लान करें, प्रॉपर्टी के लिए प्लान करें, किसी की शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है तैयारी के लिए भी, प्लस एग्जाम्स देने के लिए भी। आप डरिए मत कॉम्पिटिशन से। अगर कोई कॉम्पिटिशन ऑफिस में भी हो रहा है, यू आर गोइंग टू बी द विनर। जस्ट डोंट लूज योर ग्राउंड, मतलब आप डरिए मत। दूसरा, अगर आपको कुछ बोलना है तो वो बोलिए, ये नहीं कि दिल में रख देंगे, तो उससे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। और सेकेंडली, जो चीज़ अभी है उस पर फोकस करो। मैं 6 महीने बाद ये करूँगा, उस पर फोकस मत कीजिए। आपको सिर्फ अभी की चीज़ों पर फोकस करना है। द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन ऑन दी अदर साइड। और फिर हमारे पास आती है कन्या राशि, यानी कि वर्गो। आइए देखते हैं वर्गो के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हो, कोई आप घूमने फिरने के लिए प्लान कर रहे हो, और ये जो सप्ताह है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देयर आर सर्टन डिसीजंस व्हिच विल टेक, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। आप
डिसीशंस लोगे स्पर ऑफ द मोमेंट पे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छा है हाँ मैं कर लेता हूँ, आप किसी से राय भी नहीं लोगे, इट्स ओके. दिस इज द वीक ऑफ टेकिंग रिस्क, एंड आप रिस्क लीजिए, द रिस्क आर डेफिनेटली गोइंग टू पे ऑफ. दूसरा मैं बोलूँगी, आप कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो या आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, आई एम ट्राइंग टू टेल यू गो बैक टू योर रूट्स. जो आप पहले करते थे ना 7 साल 8 साल पहले, द वे यू यूज टू टॉक टू पीपल, द वे यू यूज टू डू योर वर्क, द वे यू यूज टू बी सो इंटरेस्टेड, थोड़े समय आप वैसा कीजिए, आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा. बी पोलाइट, बी हम्बल, एंड देर इज अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स कमिंग योर वे, सो टेक दैट हेल्प, बिकॉज दैट हेल्प इज योर हेल्प. ओके, एंड नाउ हम देखते हैं लीब्रा, यानी कि तुला राशि. देखते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहेगा. तुला राशि के लिए जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बहुत हर्ट फील करोगे. हो सकता है आपका बॉस आप पे चिल्लाए, हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको कुछ चिल्लाए, या फिर आपका कोई आर्ग्यूमेंट आपके फ्रेंड से हो या कोई लव्ड वन से हो. बट आप चिंता मत कीजिए, जस्ट गो अहेड. वर्क वाइज यू कैन डेफिनेटली मेक चेंजेस. अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता भी आपके बॉस से, तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक. आपके इस चीज़ करने से, या आपने बॉस ने अगर कुछ बोला है या आपके कलीग्स ने कुछ बोला है, उसको अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपका वर्क और इम्प्रूव होगा. मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स आपके वर्क के लिए दिख रहे हैं. एंड एक चीज़ है कि आप अगर बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म को दिल पे लेते हैं तो मत लीजिए, बिकॉज क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है. क्रिटिसिज्म का मतलब ये भी है कि आपके अंदर वो क्रिटिसाइज इसलिए करना चाहता है कि आपके अंदर कोई हेल्दी चेंजेस आए. ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर जो इंसान आपको कुछ बोल भी रहा है उसके पीछे का थॉट क्या है. आपको नीचा दिखाना नहीं है, आपके अंदर बदलाव लाने के लिए बोल रहा है. एंड मुझे ये भी दिख रहा है बहुत बैलेंस, बहुत कोऑपरेशन का कार्ड है. स्टूडेंट्स बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, या कोई ऐसे प्लान बना सकते हैं कुछ आगे पढ़ाई करने का. इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक टाइम. प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे ये सप्ताह तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा. और फिर हमारे पास आते हैं स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि. वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं. वृश्चिक राशि के जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में जो चेंजेस हैं, अगर आप वो चेंजेस इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर आप एक ऑर्डर से अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करेंगे. यू नो व्हाट आई एम सीइंग इज लॉट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन. हमने ये अभी कर लिया, फिर उसके बाद मुझे कल क्या करना है मुझे नहीं पता, मैं आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. तो ये इन द मोमेंट का कार्ड नहीं है. देर हैज़ टू बी ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, देर हैज़ टू बी अथॉरिटी. सो डू दैट टू मेक चेंजेस और द राइट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन योर लाइफ, द राइट काइंड ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास शायद कोई बीमार हो सकता है, वो व्यक्ति की अच्छे से ध्यान रखिए, बिकॉज वो ज़रूरी है. प्लस हो सकता है आप में से कुछ महसूस करे, थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस करे. डिप्रेशन मतलब नॉट द क्लिनिकल डिप्रेशन, एक एवरेज होता है ना, हर व्यक्ति को लगता है आई एम स्टक समवेयर, वो आप महसूस कर सकते हैं. बट डोंट वरी, थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बिकम बेटर. और फिर हमारे पास आते हैं धन राशि, यानी कि सेजिटेरियस. आइए देखते हैं धन राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं. धन राशि को थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा. आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा है. मुझे जो कार्ड्स दिख रहे हैं कि काफ़ी मटेरियलिस्टिकली आप बिहेव कर रहे हैं. देयर इज़ नो स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व. आप किसी के लिए कुछ बेटरमेंट सोच ही नहीं रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. तो ये यूनिवर्स से आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है, मैसेज है, दैट यू नीड टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स. आई यू नीड टू गिव बैक. Now it can be giving back to your friends, giving back to your parents, giving back to the society, giving back to somebody else. But there has to be charity done. अगर अपने बारे में सोचते रहोगे तो कहीं नहीं पहुँचने वाले हो. बल्कि मुझे तो दिख रहा है कि अगर आपने अपने selfish और materialistic view रखा तो हो सकता है कि आपको आगे जाके और तकलीफ हो. ये भी आपके कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके आस पास कोई बंदा है जो बहुत selfish या materialistic है, आप उससे सतर्क रहिए. उसकी वजह से आप उसकी बातों पे मत आइए, क्योंकि वो आपको काफी मिसगाइड कर रहा है. फिर हमारे पास आते हैं कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि. मकर राशि जो ये कह रही है कैप्रिकॉर्न की, आपको आपकी जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करनी चाहिए. बहुत बहुत अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए. अगर आपको जॉब चेंज करना है और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, प्लीज़ करिए. हेल्थ तो आपकी अच्छी है, लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है. आपके आसपास के लोग हैं भी ऐसे ही नहीं कि आपको उनको इस सप्ताह ट्रस्ट करना है. देयर इज़ समथिंग अराउंड यू विच इज़ नॉट वेरी राइट. सो बी अवेयर, बी वेरी. हर जन की बात को सुनना नहीं है, करना वही है जो आपको सही लगे. पैसे की बढ़ोतरी होगी, पैसे में इंक्रीमेंट होगा, करियर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है. इट्स अ वेरी राइट टाइम. अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ शुरू करनी है जो आपको लॉन्ग टर्म डिफरेंस ला सकती है, तो वो ज़रूर शुरू कीजिए. ओके, और फिर हमारे पास आती है एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि. कुंभ राशि के लिए मैं ये कार्ड्स बोलूँगी कि आपको जो है बहुत ज़्यादा
अपने बारे में सोचने की आदत पड़ गई है और आप किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, इनफैक्ट किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने बारे में कम सोचिए, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचिए, आपको अपने आप डिफरेंस दिखने लग जाएगा आपके रिश्तों में, आपके काम में। और मुझे ये दिख रहा है कि देयर इज वन पर्सन अराउंड यू हु रियली वांट्स टू हेल्प यू, बट आप उसकी मदद ही नहीं ले रहे हैं। हो सकता है वो जॉब पे हो सकता है वो फ्रेंड हो सकता है वो घर में हो सकता है वो जस्ट आपका स्टाफ हो, बट गिव रिकॉग्निशन, टेक हिज एडवाइस, टेक दैट पर्सन एडवाइस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अ इमोशनल हैप्पीनेस दिस वीक। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आपके लिए आएगी। और फिर हमारे पास है मीन राशि, विच इज द लास्ट साइन ऑफ द ज़ोडियक। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं मीन राशि के बारे में। वाओ, जो ये डिसीजन आप इस सप्ताह लोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा रिस्की डिसीजन है, बट दिस रिस्क विल पे ऑफ। एंड व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग इज दैट द पीपल अराउंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वेरी वेरी हेल्पफुल। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट देर कैन बी अ पर्सन अराउंड यू हु, देर आर टू पीपल अराउंड यू हु कैन बी विद वेरी सपोर्टिव एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद देम इन द लॉन्ग फ्यूचर। इन द सेंस कि आप कोई एक यू नो एक ऑर्गेनाइजेशन चालू कर सकते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी के आइडियाज़ की वजह से आप अपनी कंपनी चार्ट कर सकते हैं। व्हाट आई एम सीइंग इज अ बिजनेस पार्टनरशिप दिस वीक फॉर द एक्वेरियंस, एंड इफ यू वांट टू डू दैट डेफिनेटली डू इट। आल्सो व्हाट आई एम आल्सो सीइंग इज प्रमोशन, ग्रोथ। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं तो आप इस सप्ताह अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप 100% वो कॉम्पिटिशन में पास होंगे। तो ये था 12 राशियों का फल इस सप्ताह के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।